अब समाचार विस्तार से। एक तरफ जहां दिवाली की खुशी में लोग झूम रहे हैं, धनतेरस मनाया जा रहा है, तो इसी दौरान बाराघाटी में पत्रकार, बुद्धिजीवी व शिक्षाविदों के बीच दुखद व मातम का माहौल बना हुआ है, क्योंकि बाराघाटी तथा उत्तर पूर्वांचल के जाने माने व्यक्तित्व युवा पत्रकार विश्वजीत राय वर्मन का एकाएक निधन होने पर लोगों में दुखद माहौल बनी हुई है। विश्वजीत राय वर्मन पिछले दिनों अस्पताल में चिकित्सा के दौरान कोमा में चले गए थे, तो इसी दौरान उन्हें मृत करा दे दिया गया। बाद में चिकित्सकों के जांच पड़ताल के दौरान उनके शरीर में जान रहने की जानकारी मिली और फिर से उन्हें वेंटिलेशन में लाया गया। आखिरकार चिकित्सकों का सभी प्रयास को विफल करते हुए वे परलोक सिधार गए। उनकी शव उनके घर में ले जाया गया, जहाँ पर हजारों की तादाद में उनके अनुरागियों ने उनका दर्शन किया। बाद में उनके शव को लेकर एक शोभा यात्रा सिलचर शहर में निकाला गया। सिलचर के प्रेस क्लब, जिला क्रीड़ा संस्थान के रोड से होते हुए कई क्षेत्र का दौरा किया, जिसमें विभिन्न क्षेत्र के पत्रकार, बुद्धिजीवी, शिक्षाविद, बराकभली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन, बराकभली मीडिया एसोसिएशन तथा युवा दर्पण, युग संघ, सामूहिक प्रसंग, प्रांत ज्योति, BTN, बराक वार्ता, अमार बांग्ला व दूसरे कई पत्रकार संस्थान के कार्यकर्ता उन्होंने अपना अंतिम श्रद्धा अर्पण किया। बाद में शोभा यात्रा के जरिए सिलचर शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार कार्य संपन्न कर लिया गया। एकाएक विश्वजीत राय वर्मन के निधन होने पर लोगों में जहां दुखद व मायूसी का दौर चल रहा है, इसी दौरान परिवार सदस्यों के बीच भी मातम का माहौल बना हुआ है। उनके कर्मपंथा व कर्म जीवन के बारे में कई लोगों ने सराहना करते हुए उन्हें सलामी भी दी। Come on!